ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरं दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुस्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीसह गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाई तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतई नमो नमः। संकर्षण कारणोत्तयसाय गर्भोदसाय च पयब्दिसाय शेषांश जस्यांश सकलांश नित्यानंदाख्यरामं शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला भ्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला भ्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है श्री नित्यानंद प्रभु का आज आविर्भाव तिथि है। कहते ये नित्यानंद प्रभु कौन है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कहते जो कृष्ण बलराम ही थे हैं, इसलिए नंद सुत हैल सई बलराम हैल निताय। इसलिए जो कृष्ण थे वही श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, जो बलदेव प्रभु थे वही श्री नित्यानंद वही आए हैं। इसलिए कहते आज श्री नित्यानंद प्रभु का जन्मतिथि। कहते ये जन्म कहाँ हुए हैं, बोले एक चक्रा गांव में। कहते उसका नाम एक चक्रा क्यों नाम पड़ा, बोले महाभारत युद्ध में कथा थी है, जिस समय में कृष्ण और भीष्म में युद्ध हो रहा था, कृष्ण ने कहा मैं अस्त्र धारण नहीं करूँगा, भीष्म देव ने बताया मैं आपको अस्त्र धारण करा के ही रहूँगा। जिस समय कृष्ण ने हाँ ऐसे पितामह भीष्म युद्ध कर रहे थे, ऐसे बाण मार रहे थे अर्जुन को, पूरा शरीर अर्जुन का बाण से क्षत हो गया, खून की धारा बहने लग गया। कृष्ण ने देखा आज ये बूढ़े को क्या हो गया, ये तो छलांग मार मार करके ये मेरे अर्जुन को पूरा सारा शरीर खून से लथपथ कर दिया, लगता है तो अर्जुन खत्म कर देगा, फिर मेरे प्रतिज्ञा तो नष्ट हो जाएगी। मेरे जो गीता में प्रतिज्ञा की कौंतेह प्रतिजानी नम्य भक्ता प्रणशति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं तो मेरी प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी। इतने में कृष्ण ने रथ से कूद पड़े और उन्होंने रथ चक्र को उठा लिया, ले करके बोला आज ये बूढ़े को समाप्त कर दूंगा। पितामह भीष्म जब देखा कृष्ण मेरे प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए अपना प्रतिज्ञा को आज भगवान तोड़ दिए भक्त वत्सलता में अधीनता होकर के, तब पितामह भीष्म धनुष को छोड़ दिए और कृष्ण चरण में प्रणाम किया, बोले प्रभु आप कितने दयालु हो, आपकी केवल एक इशारा पर विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, लेकिन आज मेरी प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए आप प्रतिज्ञा तोड़ दिए प्रभु, धन्य हो प्रभु। अभी भगवान सत्यव्रत है, मतलब भगवान जो कुछ संकल्प करते हैं उनका संकल्प सत्य होता है, इसलिए उनको बताया सत्य संकल्प। भगवान अभी चक्र उठाया,
जो चक्र उठाया तो चक्र को तो मारेंगे, उनका तो संकल्प तो सत्य होगी, अभी वो चक्र को क्या करेंगे। इसलिए कहते उसी चक्र को उन्होंने महाभारत युद्ध में उन्होंने उसी चक्र को उन्होंने फेंका, वो चक्र घूमते 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 जा करके श्री बंगाल में जहाँ एक चक्र गांव है वहीं पर पड़ा है, जो व्हील था। हाँ, जो व्हील था, इसलिए उसका नाम, गांव का नाम एक चक्रा, मतलब जो एक जो चक्र था वहीं पर जाकर गिरा था। मतलब कृष्ण तभी से ही इंगित किया था एक दिन यहीं पर श्री मेरे अभिन्न स्वरूप श्री बलदेव प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु रूप में यहीं पर ये आविर्भूत होंगे। इसलिए वो गांव का नाम है राड देश, जो राड जो शब्द है, कभी कभी जो र है संस्कृत का विचार में ढ कभी र, र कभी ढ होता है, ढ कभी र कहते हैं, इसलिए वो गांव का नाम है राधा देश, राड देश नहीं राधा देश, क्योंकि वो गुप्त वृंदावन श्री नवद्वीप धाम श्री गुप्त वृंदावन है, इसलिए उस स्थान का नाम राड देश है। इसलिए हड़ाई पंडित और पद्मावती देवी इनकी गर्भों को आश्रय करते हुए आज का दिन श्री नित्यानंद प्रभु जन्म हुए थे। जब उन्हें जन्म हुए ऐसे उन्होंने हुंकार किया नित्यानंद प्रभु, हैं ऐसे उन्होंने हुंकार किया सारा दुनिया में जैसे टहलका मच गई उनका हुंकार सुन करके। इसलिए कहते वो जो जन्म हुए, जब थोड़ी सी नित्यानंद प्रभु बड़े होते हैं वो जो कुछ वो लीला करते हैं, हैं कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य धाम साहब दई। भगवान जब इसी जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आते, धाम और परिकरों को लेकर के प्रभु इसी जगत में आते हैं। जब नित्यानंद प्रभु आए सारे ग्वाल वाल ही उनका आए। इसलिए नित्यानंद प्रभु जब कोई खेल खेलते थे वो सारे खेल रामलीला की और कृष्ण लीला की खेल खेलते थे। वहाँ पर एक स्थान है एक चक्र ग्राम में, एक दिन नित्यानंद प्रभु अपना ग्वाल वालों को लेकर गए, बोले देखो आज हम एक नया खेल खेलेंगे। बोले क्या खेल खेलेंगे? बोले आज ये खेल खेलेंगे, रावण और जब लक्ष्मण में जब युद्ध होता है वो युद्ध का खेल खेलेंगे, एक को रावण बना दिया है, एक को मेघनाद बना दिया, एक को स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु बन गए लक्ष्मण बन गए हैं, और किसको एक हनुमान बना दिया, किसको सुग्रीव बना दिया, किसको ऐसे ही उन्होंने बोले आज तुम्हारी ये रोल है आज हम ये रोल करेंगे। और नित्यानंद प्रभु ने कहा देखो ये जो मेघनाद है ना ये मेरे को बाण प्रहार करेगा, जब बाण प्रहार करेगा मैं अज्ञान हो जाऊंगा, जब अज्ञान हो जाऊंगा और ये हनुमान है और इसको बोलना और सुषण बद्य को हनुमान उठा करके लंका से लाएगा और इसको बोलना ये गंधमार्दन पर्वत में जा करके विशल करने आएगा और जब मेरे को सुंघा देगा ना मैं अपने आप जी जाऊँगा। उनने सब सबको पाठ दे दिया। बोले ठीक है खेल शुरू हुआ। जब शुरू हुआ इतने में मेघनाद ने धनुष लेकर के और नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने हुए उनको उन्होंने शक्ति शैल की प्रहार की और नित्यानंद प्रभु तो साक्षात लक्ष्मण का आवेश में आकर के बेहोश हो गए और सचमुच ऐसे बेहोश होकर जैसे शरीर छोड़ दिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो सबको जो रोल दिया था ना जब देखा ये शरीर छोड़ दिए वो सबके सब भूल गए हैं, वो सबके सब भूल गए क्योंकि देखा तो मर गया ये हैं। ऐसे उन्होंने आवेश में आ गए। इतने में खबर चला गया गांव में हैं जे ऐसे 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 श्री नित्यानंद प्रभु एकदम अज्ञान बेहोश हो गए। सारे गांव वाले भागते भागते आए, हराई पंडित पद्मावती सब गांव के लोग भागते भागते आए। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे हम लीला कर रहे थे करते 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 ऐसे। बोले उसने किसी कुछ कहा था? बोला हाँ उन्होंने बताया था इनको बंदर बनाया था हनुमान और ये जा करके विशल करने जाएंगे उनको सुंघान पर चेतना हो जाएगा। इतने में बोले तुम जाओ, उसने वह जंगले से कोई थोड़ा जड़ी बूटी कुछ ले आओ ला करके और नित्यानंद प्रभु को सुंघा कर। वो सुंघाती ना नित्यानंद प्रभु जग गए। जब जग गए इतने में बोले ये इतने छोटे छोटे बच्चे इनको ये सब रामलीला पता कैसे चला? नित्यानंद प्रभु को पूछे बोले तुमको ये सब बात पता कैसे चला? बोले ये तो सिर्फ मेरी लीला है, ये तो सब मेरी लीला, मैंने ही सब कुछ किया है मेरी लीला। लेकिन अभी जोग माया के प्रभाव से उनको पिता माता को पता ही नहीं चला ये कौन है। इसलिए कभी कभी वहाँ पर एक तालाब भी है,
तालाब भी है। अब लोग एक चक्र गए है, गए नहीं ना, कभी जाओ तो जरूर दर्शन करने चाहिए। वहाँ के तालाब है, हाँ तालाब है, जिस तालाब में कृष्ण काली और सिर पर जैसे नृत्य किया था, वहाँ पर भी नित्यानंद प्रभु ने नृत्य किया है। वहाँ पर एक तालाब है, हाँ वहाँ पर सखा लोग बैठ करके ग्वाल वालों के साथ में वहीं पर भोजन करते थे। वो सारे चिन्ह वहीं पर है, सारे चिन्ह वहीं पर, वहीं पर ही पांडव लोग जब अज्ञातवास किया था, वहीं पर ही बकासुर को भीम ने वहीं पर वध किया था, वो स्थान अभी है। इसलिए हैं, इसलिए वो जो स्थान है कहते एक चक्र गाम, कहते ये नित्यानंद प्रभु है कौन, ये नित्यानंद प्रभु रूप में क्यों प्रकटित हुई। कहते ये नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं, जब कृष्ण को शास्त्र ने बताया कृष्ण कौन है, बोले रस वैस रसम जवायाम लब्धानंद भवति, भगवान रस स्वरूप, उनका काम ही रस आस्वादन करना। अभी कृष्ण सोच रहे हैं हम तो अकेले रस आस्वादन कर ही नहीं सकते, जब तक हम दो नहीं होंगे, तब कृष्ण की इच्छा हुई हम स्वयं को स्वयं हम एक्सपांसन करें, प्रकाश करें। इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में आता है, कृष्ण कभी गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए सोच रहे हैं मैं लीला करूँगा, रास करूँगा, लीला करूँगा। कैसे लीला करेंगे, हैं कत सब नैव रमे नैव रमते स द्वितीय मैचत। जब वो दो होने के लिए इच्छा की, जब दो होने के लिए इच्छा की, उनको बाम अंग से रास मंडल से एक अद्भुत नारी प्रकट हुई, 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके अद्भुत दीप ज्योति जब प्रकाश हुई, रास से प्रकट हुई, इसलिए उनका पहला अक्षर पड़ गया रा। और प्रकट होकर के सुंदर सुंदर फूल लेकर के कृष्ण को पूजा करने के लिए धावित, धावित मतलब दौड़ना, दौड़ी, इसलिए उनका नाम पड़ गया राधा। बाम अंग से राधा प्रकट हुई और जितनी वहाँ से शक्तियों की प्रकट होती हैं, कहते उनका बाम अंग से, कहते बाम अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकटित हुए, और इनसे जितने अवतार प्रकट होते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बताया, बोले शंकर सण कारण दसाई गर्भोदसाई चपयब्धिसाई शेषांश जस्यांश सकला स नित्यानंदाख्य रामम शरणम प्रपद्ये। कहती ये बलदेव नित्यानंद प्रभु कौन है, बोले शंकर सण साई, मतलब कृष्ण से बलदेव प्रकट हुए, उनसे शंकर सण प्रकट हुए, मूल शंकर सण, वहाँ से फिर चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, वासुदेव शंकरसण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। कहते वो जो शंकरसण से फिर तीन विष्णु प्रकट होते हैं, कारण दशाई गर्भ दशाई खिराब्दिशाई और शेष हैं। बोले ये कारण दशाई कौन है, बोले यही कारण दशाई जब माया को प्रति दृष्टि करते हैं तब माया खुबित तो होकर के अनंत ब्रह्मांड को ही सृष्टि करती है। कहते गर्भ दशाई क्या करते हैं, हर ब्रह्मांड में ये शयन करते हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, शरीर का पसीना से आधा ब्रह्मांड को भर देते हैं। बोले खिराब्दि साहिब का काम किया, बोले प्रत्येक जीव का हृदय में जो एक अंगुष्ठ परिमाण में जो परमात्मा निवास करता है, कहते ये खिरद साहिब। कहते शेष रूप में ये क्या करते हैं, कहते शेष रूप में भगवान की आसन बनी हुई, भगवान के लिए सज्जा बनी हुई है, ठाकुर जिसको ऊपर में शयन करते हैं, और ये विश्व ब्रह्मांड को अनंत रूप में अपना सर के ऊपर में जैसे कि सरिस होता है, इसे विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सरिस रूप में धारण किया, और ये अनंत मुख में अनंत काल से अनंत जो भगवान की कथाओं को ये गान करते रहते हैं। हैं कौन है, बोले श्री नित्यानंद प्रभु। मतलब है जो कुछ ये दुनिया में जो हो रहा है ना, ये श्री नित्यानंद प्रभु से ही होता है। इसलिए भगवान का जो स्वरूप को बताया सचिदानंद रूपाय, कहते ये सत रूप में कौन है, कहते श्री बलदेव प्रभु संधिनि शक्ति की ये अधिष्ठात्र देवता, यही सब कुछ वस्तुओं को धारण करने वाले यही है। इसलिए जगत में जितने अनंत रूप में कृष्ण सेवा के लिए प्रकाशित हुए हैं, कृष्ण का पादुका यही बने, कृष्ण का चामर यही बने, उनका छत्र यही बने, उनका वस्त्र भी बलदेव प्रभु, उनका जनेह भी बलदेव प्रभु, उनका अलंकार भी बलदेव प्रभु, उनकी जुती भी अलंकार प्रभु, हाँ उनका सिंहासन भी बलदेव प्रभु, जो मजरा बजाते ये बलदेव प्रभु, जो मृदंग बजाते हैं बलदेव प्रभु, ये भी बलदेव प्रभु, ये भी बलदेव,
मतलब बलदेव प्रभु को छोड़कर कुछ है ही नहीं। कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने अनंत रूप में, अनंत रूप में उन्होंने प्रकाश होकर के कृष्ण की सारे सेवा कर रहे हैं। और संधिनी शक्ति रूप में, धाम रूप में, जैसे गिरिराज गोवर्धन है, जैसे वृंदावन धाम है, जितने धाम है, कहते ये सारे धाम रूप में कौन प्रकटित हुए? कहते से बलदेव प्रभु प्रकटित हुए संधिन रूप में है। इसलिए अनंत धाम प्रकट हुए, जितने धाम है सब धाम में ये सब काम करते श्री बलदेव प्रभु। इसलिए और चित अंश में कहते ज्ञान स्वरूप में ये कृष्ण, और जो आनंद स्वरूप में लादनी शक्ति स्वरूप श्री राधा रानी। इसलिए जब ये तीनों मिलते हैं तब होता है सचिदानंद रूपाय, तभी ये पूर्ण होते हैं, तभी ये पूर्ण होते हैं। इसलिए कहते श्री बलदेव प्रभु हैं, कहते श्री इतने अभिन्न भगवान से, कहते केवल वो देखने में कृष्ण गोरे काले हैं और बलदेव प्रभु देखने में गोरे हैं, केवल इतना ही पार्थक्य है और कोई पार्थक्य नहीं। एक हाँ एक तनु समान प्रकाश, केवल लीला करने के लिए उन्होंने ये दो रूपों को, लीला करने के लिए उन्होंने कभी ये दो रूप धारण किया है। इसलिए इतने एकता है, जो रास लीला है केवल दिखाई पड़ता है कृष्ण ही केवल रास की है, लेकिन इसे बलदेव प्रभु की है। इसे बलदेव प्रभु राम घाट में गए होंगे ना, राम घाट में बलदेव प्रभु वहाँ पर रास किया, बोले क्यों? बोले कृष्ण से अभिन्न विग्रह से बलदेव प्रभु। इसलिए श्री कृष्णदास, ये वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य भागवत को प्रारंभ करते हैं तो वो एक श्लोक में उनका गुरुदेव नित्यानंद प्रभु, एक श्लोक में नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को एक श्लोक में स्तुति करते हैं। बोले अजानुलंबित भुजौ कनका बदातौ संकीर्तन पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजभरौ जुगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं क्या देखो मेरे जो गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु भगव कृष्ण से अभिन्न है, महाप्रभु से अभिन्न है, इसलिए एक श्लोक में उन्होंने दोनों को ही महिमा गा रहे हैं। मेरे गुरुदेव कैसे अभिन्न रूप में कैसे कृष्ण की सेवा करते हैं? बोले आजानुलंबित भुजौ, कहते महाप्रभु का जैसे यहाँ से लेकर जानू तक जैसे उनको लंबा हाथ है, जैसे ये महापुरुष का जो 24 लक्षण होता है, जैसे एक है आजानुलंबित भुजौ हैं, कहते उनका जो हाथ होगा जानू तक उनका लंबा होगा, कहते जैसे महाप्रभु का जैसे आजानुलंबित भुजौ, मेरे गुरुदेव से नित्यानंद प्रभु का भी जानू तक उनके हाथ लंबा है। आजानुलंबित भुजौ कनका, कहते महाप्रभु का रंग कैसे? बोले कनका, कनका मतलब सोने जैसे हैं, राधा रानी का अंग कांति लेकर सोने जैसे। कहते मेरे गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु भी कनका बदा तो उनका रंग भी तप्त कांचन जैसे है, कनका बदा तो। बोले संकीर्तन ही का पिता रहो, महाप्रभु कौन है? बोले संकीर्तन की ये पिता है, जिन्होंने सर्वत्र हरि संकीर्तन का उन्होंने प्रचार किया। कहते मेरे गुरुपाद पद्म नित्यानंद प्रभु भी घर घर में जा कर के महाप्रभु इनको आदेश दिया, सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास अमर आज्ञा सर्वत्र करा प्रकाश। बोले जाओ नित्यानंद हरिदास घर घर में जा करके अमर आज्ञा को प्रचार करो। बोले मेरी आज्ञा क्या है? बोल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा है, बोलना तो कृष्ण बोलो, भजन करना तो कृष्ण भजन करो, शिक्षा अगर कुछ प्राप्त हो तो कृष्ण भक्ति को ही शिक्षा प्राप्त करो। इसलिए नित्यानंद प्रभु सर्वत्र जा जा करके उन्होंने हरि भक्ति को उन्होंने प्रचार किया, और प्रचार करते करते उन्होंने जगाई माधाई को पास में गए तो, और दोनों पिय कर शराब पी करके एकदम मदमस्त थे, और नित्यानंद प्रभु बोले, महाप्रभु बोले, पति घरे घरे गया माँ गई भिक्षा, बोले हर घर घर में जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए, बोले इनको भी तो कृष्ण भक्ति की भिक्षा मांगनी चाहिए ना, महाप्रभु बोले सर्वत्र तो इनको भी तो देनी चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण। इतने में वो दोनों पिए कर तो हाँ शराब पी कर गए, अरे गेरे बोल रहे थे, इतने में बोले हरे कृष्ण कौन है? ऐसे दोनों को खदड़े उन्होंने, ऐसे खदड़े, नित्यानंद प्रभु तो पतले थे वो भागते हुए चले गए, श्री हरिदास ठाकुर थोड़ी सी मोटे थे वो थोड़ी कम भाग रहे थे,
हठात कैसे गली आ गया और कैसे गली को अंदर में चले गए, बच गए। जा करके श्री अद्वैत आचार्य जी को बोले, बोले महाप्रभु एक पागल, एक तो बड़ा पागल बैठा हुआ महाप्रभु, ये भी एक पागल है, इसलिए ये को बोले जाओ घर घर में भिक्षा मांगो, जो पर के दो शराबी थे जगाई माधाई, और इनको जा करके बोले बोलो हरे कृष्ण, किसी तरह से बच गए, हमको पीछा इसे क्या कदड़े, हम तो किसी तरह से बच गए। अद्वैत आचार्य कहते कल देखना हैं, देखना ये भी दो पियकड़, और सबसे बड़े दो पियकड़ कौन है, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, देखना चार हाथ उठा करके हैं भगवान का नाम कीर्तन करते हुए देखोगे, हाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, देखना चार नाचते हुए देखोगे। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जब किसी को प्रति इच्छा कर लिया, इनको भगवान की भक्ति प्रेम मिले, साक्षात बलदेव प्रभु, इनकी इच्छा मात्र ही सब कुछ हो जाती है, केवल अनुष्ठान बाकी रह गया, वो तो हो गया, दोनों का कल्याण हो गया। फिर दूसरे दिन फिर जब गए बोले हरे कृष्ण बोलो, बोले फिर आ गए। फिर इतने में माधाई ने क्या किया, उठाया जो कलसी था हैं, जो कलसी में पी रहा था शराब, उठाया और मारे श्री नित्यानंद प्रभु, और उनका सर फूट गया। इतने में हरिदास ठाकुर जा करके बोल दिए, माधाई ने नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिए। इतने में महाप्रभु आ गए, आ करके उनने चक्र को उनने आह्वान किया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अभिन्न नाम से, बोले मेरे नित्यानंद प्रभु को तुमने मारा, तुम दोनों का ही समाप्त कर दूंगा। सचमुच से देखा चक्र स्वयं प्रकट हो गया, दोनों देख रहे थे, साक्षात चक्र प्रकट हो गया, देख करके दोनों कांप उठे, महाप्रभु के चरण में गिर पड़े, प्रभु माफी मांगो, हमको माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो। नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु, नित्यानंद प्रभु बोले प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया ना कि कलयुग में आप अस्त्र धारण नहीं करोगे, आपने प्रतिज्ञा किया है ना, पर ये अस्त्र क्यों बुला रहे हो, इसलिए अगर आप मेरे ऊपर में आपकी दया है कृपा है, आप इनको माफ कर दो। तो महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु ऐसे बोले, महाप्रभु बोले दोनों नित्यानंद प्रभु के चरण में माफी मांगो, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु चरण जब माफी मांगे, फिर महाप्रभु उनको प्रेम दिया, जो प्रेम दिया, इतने में श्री जगाई बोले, बोले प्रभु आप तो इनको प्रेम दे दिया, लेकिन हम दोनों सारे पाप एक साथ में किया है, सारे दोनों एक साथ में खाए पिए, जो कुछ पाप एक साथ में किया, अब तो उनको कल्याण किया, क्या मेरे कल्याण नहीं करेंगे प्रभु, इसलिए मेरे को भी उद्धार करो। बोले तुम भी नित्यानंद प्रभु का चरण में तुम भी गिरे प्रभु, जब दोनों गिरे फिर तो महाप्रभु दोनों को प्रेम दिया। इसलिए श्री लोचनदास ठाकुर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का एक सुंदर कीर्तन कहते हैं, हैं बोले दयाल नीताय चैतन्य भोले नाचरिया मार मन हे मन दयाल तो नहीं है मार खे प्रेम दे अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन दयाल नीताय चैतन्य भोले नाचरिया मार मन है ये कह रहे हैं कब मेरा मन नित्यानंद और महाप्रभु का नाम को लेकर नाच उठेगा। बोले क्यों, बोले ऐसे कहीं दयालु देखे हो है, कहीं देखे हो राम भी तो आए, लेकिन रावण को उन्होंने पूरा लंका समेत जला करके ध्वंस कर दिया है, इतने में कृष्ण भी आए, उन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा किया तो उठाया चक्र, उन्होंने सबको मार डाले है, लेकिन देखो महाप्रभु को देखो कितने दयालु, सर भी फोड़ दिया नित्यानंद प्रभु को। कहते हैं मेरे छी कलसी रखाना ताई बोली कि प्रेम की बना, नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं भले ही तुमने मेरे सर को फोड़ दिया, इसलिए क्या तेरे को प्रेम नहीं दूंगा, एक बार बोलो हमारे किणिया लहो बोलो गौर है। नित्यानंद प्रभु कहते हैं एक बार केवल मेरे प्रभु का नाम गौरांग महाप्रभु का नाम लो, मेरे तेरे पास में बीख जाऊंगा तेरे पास में है, एक बार केवल नित्यानंद प्रभु का नाम महाप्रभु का एक बार नाम ले लो। इसलिए कहते अपराध दूरे जावे पावे प्रेम धन, कहते जो कृष्ण नाम है ये करे अपराध रे विचार, ये अपराध का विचार करता है, और अपराध रे नाम ले नाहे विकार, अगर अपराध है अगर आप नाम लोगे उसमें हृदय विकार नहीं होता है, लेकिन नित्यानंद महाप्रभु नाम ही ये सब नाहे का विचार,
नाम लय ले अश्रु भय भय प्रेमदार। कहते इनका नाम लेते ही दोनों आंखों से अश्रुओं की झरी बहने लग जाते हैं इनको आंखों से, हैं इनका नाम लेते ही। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अजानुलंबित भुजो कनका बदातो संकीर्तने कपितरो। ये संकीर्तन की दोनों ही पिता हैं, बोले कमलाय अताक्ष। कहते इनका आंख कैसे हैं, बोले कमल जैसे इनका आंख है। महाप्रभु का भी कमल जैसे आंख और नित्यानंद प्रभु का भी कमल जैसे आंख इनका, जैसे कमलाय अताक्ष बोले विश्वम्भरो। कहते महाप्रभु का एक नाम विश्वम्भर, विश्वम्भर मतलब ये विश्व ब्रह्मांड को जो भक्ति दे करके, हाँ भोजन दे करके विश्व ब्रह्मांड को जो भरण पोषण करने वाले, कहते श्री नित्यानंद प्रभु ही विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने कृष्ण प्रेम दे करके विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने भर दिया है। हाँ इसलिए लोचन दास ठाकुर इनका कीर्तन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं। बोले क्या कहते हैं, बोले परम कहते निताई गो नमानी आमार निताई गो नमानी आनिया प्रेमेर बन्या भाषाइल अबनी प्रेमेर बन्या लैया निताई आइला गौड़ देसे डूबिला भकत गन दीनहीन भासे दीनहीन पति तपा मर नाही बाचे ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कार्य जाचे। हाँ इनकी महिमा ये भजन में गा रहे हैं। बोले निताई गुणमनि अमार निताई गुणमनि, बोले नित्यानंद गुरु कौन है, कहती ये गुण का खान है, हैं ये गुण का खान जिनको गुण गुण है, हैं बोले अनिया प्रेमर बन्या भाषाई लावनी, इन्होंने प्रेम की बाढ़ लाए और सारा दुनिया को प्रेम में डूबे दिया है। इसलिए अनिया प्रेमर बन्या भाषाई लावनी प्रेमर बन्या लया निताई आईला गौड़ देसे डूबिला भक्त गण दीन हीन भाषे। और उनने प्रेम की बाढ़ तो लाए लेकिन उनने कोई विचार नहीं किया, जैसे कृष्ण भक्ति में विचार किया है। हाँ अगर ये भक्ति करने वाले हैं, श्रद्धा व्यक्ति है, तभी हम उसको प्रेम देते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु उनने कोई विचार नहीं किया, उनने सब जो बणिक थे बणिया थे महाप्रभु नित्यानंद उनको घर में भी गए, उनको कोई उनका पानी कोई नहीं ग्रहण करते थे हैं, लेकिन उन्होंने उनको घर में भी गए, उनको भी उन्होंने भक्ति प्रदान की हैं। जहाँ पर कोई नहीं जाया करते थे नित्यानंद प्रभु वहाँ पर जा करके सबको उन्होंने महाप्रभु का प्रेम प्रदान किया। दीना ही न पति तपामर नाही बाचे, बोले आबद करुणा सिंधु काटिया मुहान घरे घरे बुल्ले प्रेम अमियारबान। ने उदाहरण दिया जैसे एक तरफ में पानी पानी और यहाँ पर एकदम बांध है, डैम है, एक तरफ में पानी पानी है एकदम भरा हुआ, अगर उसको काट दोगे फिर क्या होगा, इतने तेजी से पानी आएगी सामने किसको दिखेगा नहीं, जो आएगा ना उसको पूरा बहाते हुए ले जाएगा। कहते तो उसी तरह श्री नित्यानंद प्रभु जो प्रेम था आबध मतलब एक बांध था, हाँ बांध था, एक तरफ में केवल प्रेम प्रेम था, दूसरे तरफ पूरा सुखाई सुखाई था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने किया ऐसे उन्होंने, हाँ ऐसे उन्होंने बांध को काटे और प्रेम ऐसे आया दीना हीना पतित पामर किसी को विवेचना नहीं करके जो सामने आया ना उसको बहाते हुए ले गया, हैं बहाते हुए ले गया। इसलिए नित्यानंद प्रभु आकर के सबको उन्होंने ये प्रेम कोई विचार किए बगैर उन्होंने सबको ये नित्यानंद प्रभु प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं करुणा बतारो कत अजानुलंबित भुजो कनका बतातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो हाँ विश्वम भरो। हाँ इसलिए उन्होंने विश्वों को उन्होंने प्रेम दे करके संपूर्ण विश्व को अपना प्रेम से भर दिया है। विश्वम भरो और कहते दिजो भरो, यहाँ पर द्विवचन है। कहते महाप्रभु जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आए, कहते मेरे गुरुपाद पद्म नित्यानंद प्रभु भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में दोनों जन्म लिए, इसलिए महाप्रभु ये दोनों को हैं ये दोनों को भेजते हैं हरि नाम संकीर्तन करने के लिए। कहते सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास अमार आज्ञा सर्वत्र कर प्रकाश,
यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं महाप्रभु ये दोनों क्यों भेजे। महाप्रभु को तो बहुत सारे भक्त थे, लेकिन ये दोनों को ही क्यों उन्होंने हरिनाम संकीर्तन करने के लिए दरवाजा भी ये दोनों को क्यों भेजे। तो प्रभुपाद उसको पीछे चार कारण बताते हैं। उन्होंने पहला कारण बताए कि अगर मैं हरिदास को बगल भेजता हूँ, ये मुसलमान कुल में आप देखना जब कोई व्यक्ति प्रचार करता है, वो व्यक्ति जैसे प्रचार करने वाले व्यक्ति ना, लोग उसको ठीक देख रहे भेज जाते हैं। अगर आप प्रचार करोगे देखना, आपकी जो संबंधी आपकी जो परिवार के लोग उसको आएंगे, बोले अरे प्रकाश भक्ति कर रहा है, हाँ जरूर उसमें कुछ है। फिर आपको देख करके ना आपको सब परिचित और आप जैसे आपका स्टैंडर्ड है वो देख करके वैसे लोग आएंगे। महाप्रभु ने देखा अगर हरिदास ठाकुर को भेजूं, ये तो जवन कुल में जन्म लिया, लोग बोलेंगे भक्ति सब छोटे जाति व्यक्ति वाला करने वाले, बड़े जाति करने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भेजा। बोले क्यों? बोले नित्यानंद प्रभु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुई, अगर इनको भेजेंगे ना सब ब्राह्मण लोग भी भजन करने, ये जो भक्ति कर रहे हैं हाँ उनको देख करके वैसे लोग आएंगे, और हरिदास का तक वैसे लोग। इसका मतलब है भगवान की भक्ति में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति सबका भगवान की भक्ति में अधिकारी है, ये एक कारण है। दूसरा कारण बोले श्री हरिदास ठाकुर, बोले ये कौन है? बोले ब्रह्मा है, हैं ये जगत को सृष्टि करने वाले। और नित्यानंद प्रभु कौन? बोले तो ये एक ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले, नित्यानंद प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले, ये है। दोनों ही सृष्टि करता है जगत का, कि जगत में जो दोनों ही सृष्टि करता है। जैसे आप बच्चे को जन्म देते हो, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बच्चों को लिखाना पढ़ाना इंसान बनाना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए भगवान इसलिए उनको भेजे, बोले सृष्टि तुमने किए है, जन्म तुमने दुनिया को जन्म दिए, जब तुमने ये जन्म को दिए हैं तुम्हारी कर्तव्य है इनको लिखाया पढ़ाया और बड़ा करना तुम्हारी कर्तव्य। मतलब कैसे पालन करेंगे? बोले इनको भगवान की भक्ति दे करके इनको पालन करनी चाहिए, हैं इनको जा करके जब जन्म दिया इसलिए तभी सार्थकता है। ऋषभ देव बच्चों को शिक्षा देते, बोले बच्चों ये जीवन भगवान क्यों दिया है? बोले विषय भोग के लिए नहीं, जीवन प्रभु भजन करने के लिए दिया। इसलिए गुरु न सस्यात, पिता न सस्यात, दैवम न तत्सार न पतिम सस्यात। कहते वो पिता पिता माता नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो बंधु बंधु नहीं, वो देवता देवता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं। अगर वो हमें भगवत भक्ति की ज्ञान दे करके, भगवत भक्ति की उपदेश दे करके, अगर हमें प्रभु की भक्ति मार्ग में नहीं चला सकते हैं, वो पिता पिता नहीं, वो माँ माँ नहीं, वो भाई भाई नहीं, वो गुरु गुरु नहीं। इसलिए भगवान ये दोनों को भेजते हैं, तुम्हारी कर्तव्य है इनको भजन की उपदेश दो, जाओ तुम दोनों जाओ दरवाजा दरवाजा। तीसरा कारण बताए नित्यानंद प्रभु कौन? बोले आदि गुरु, ये आदि गुरु है, हैं? इसलिए हम गुरु जी को दो स्वरूप मानते हैं, एक तो नित्यानंद प्रभु अभिन्न है, दूसरे हैं राधा रानी की ये प्रिय सहचरी। ये दो रूप हम गुरुदेव को इसी दो रूप में मानते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु गुरु, गुरु होने का नाते इनको भेजे, क्योंकि जब तक जीव गुरु जी की शरण में नहीं जाते हैं ना जीव, तक तब तक कल्याण नहीं। इसलिए बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरिंच शंकर सम होई। इसलिए इनको भेजे। अभी गुरु जी की शरण नित्यानंद प्रभु का शरण में लेंगे, लेकिन करें क्या? बोले हरिदास ठाकुर को भेजे। बोले कौन है? बोले श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, दिन में जो 3-3 लाख हरिनाम करते थे, हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले इनकी शरण लेना और इनसे क्या करना? हरिनाम ग्रहण करना है। इसलिए तुम दोनों जाओ, जाकर के हर जीवों को आश्रय दो और घर घर में हरिनाम प्रदान करो। ये कितना कारण हो गया? तीन कारण हो गया। बोले चौथा कारण हुआ है, इनको बोले प्रति घरे घरे गया माग ए भिक्षा, हर दरवाजा दरवाजे में जाकर भिक्षा मांगो। बोले भैया भिक्षा क्यों मांगता है? जिसको पास में जो चीज़ है नहीं ना, जैसे दाल चावल पैसा, जाकर घर घर में मांगते हैं भिक्षा, और देने वाला का हाथ ऊंचा होता है और लेने वाला का हाथ नीचा होता है, लेकिन ये दोनों को भिक्षा के लिए भेजे। बोले भैया ये भिक्षा क्यों मांगेंगे? एक तो एक ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाले और जो दूसरा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को भिक्षा सृष्टि करने वाले, दोनों ही दुनिया का मालिक है, फिर ये क्या चीज़ भिक्षा मांगेंगे? कोई गरीबी हो तब तो जाकर भिक्षा मांगे, लेकिन दोनों तो दुनिया का मालिक है।
हाँ कहते हैं ये कोई साधारण भिक्षा मांगने नहीं गए, हाँ साधारण भिक्षा नहीं, जो जितने बड़े पैसा वाला हो ना देखना उसको उतना बड़ा भिक्षा देना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ा भिक्षा जगत में क्या है, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण सिक्ख्या। इसलिए उन्होंने छोटे मोटे चीज भिक्षा नहीं, साक्षात भगवान को भिक्षा रूप में मांगने के लिए है, क्योंकि अभिन्नत्वात नाम नामिने, भगवान और उनको नाम में कोई फर्क नहीं, इसलिए साधारण भिक्षा नहीं, साक्षात भगवान की भक्ति की भिक्षा मांगने के लिए गए। इसलिए उन्होंने ये दोनों व्यक्ति को भेज करके उन्होंने कृष्ण नाम की उन्होंने भिक्षा मंगवाया महाप्रभु ने। इसलिए कहते श्री नित्या कह रहे हैं, कनका बदातो संकीर्तन एक पितरो कमलाय ताक्षो म विश्वम भरो दिजवरो जुग धर्म पालो। कहते महाप्रभु को नहीं, बोले कलिजुग का जो युग धर्म है जो हरिनाम संकीर्तन है, यही कलिजुग का युग धर्म है। इसलिए महाप्रभु जैसे युग धर्म को सर्वत्र प्रचार किया, कहते मेरे गुरुपाद पद्म श्री नित्यानंद प्रभु भी सर्वत्र उन्होंने यही हरिनाम संकीर्तन को दरवाजा दरवाजा में जाकर के इन्होंने भी भिक्षा किया। इसलिए इसका मतलब है मेरे गुरुदेव महाप्रभु से अभिन्न है, ये अभिन्न तत्व श्री महाप्रभु से ही अभिन्न तत्व है। इसलिए भगवान की हर लीला में कहते नित्यानंद प्रभु आते, ऐसे कोई लीला नहीं जिसमें ये आए नहीं। जैसे रामावतार में लक्ष्मण बन करके आए, लेकिन जब लक्ष्मण बन करके आए ये छोटे भाई बन करके आए, लेकिन छोटे भाई बन करके आए इसलिए कर्तव्य किया बड़े भाई का आदेश पालन करना, इसलिए राम का आदेश पालन करना पड़ा। लेकिन कभी कभी राम कभी कभी ऐसे ऐसे आदेश दिए जो कि सेवक के लिए जो विरुद्ध है। बोले क्या दो विरुद्ध है, बोले पहला नंबर है जब सीता को लंका से वापस ला रहे थे, लक्ष्मण को बोले तुम चिता से जाओ, वो तो माँ को माँ मानती है, हाँ सीता माँ है, माँ के लिए बेटा कभी चिता से जा सकती है, लेकिन उनको मजबूरी से बनाना पड़ा। बोले क्यों, बड़े भाई का आदेश नियम है छोटे भाई पालन करे। जो दूसरी जो आदेश पालन की, जब वो धोबी ने भगवान राम के ऊपर कटाक्ष की, कहते मैं थोड़ी राम हूँ, हाँ वो धोबिनी को बोली बताओ तो पिछले रात में कहाँ रुकी थी, तो जहाँ रुकी थी वहीं पर अपना समय को वहीं पर बिताओ, मैं राम नहीं हूँ और मैं तुम्हें ग्रहण करके और घर में ग्रहण कर लूँ, ऐसे नहीं। इतने में राम को पता चला ना, अरे लक्ष्मण को देख करके उन्होंने बोले जा सीता को जंगल में पहुँचा करके आऊँ, अपना माँ को चिरकाल के लिए उन्होंने भगवान से अलग करना पड़ा। इसलिए लक्ष्मण ने कहा और मैं छोटे भाई बन करके नहीं आऊँगा, छोटे भाई बनने पर उनका भगवान की, हाँ बड़े भाई होते हैं फिर आदेश पालन करना पड़ता, फिर जब आए उनने कभी छोटे नहीं, फिर दो लीला में बड़े बन करके आए, कृष्ण लीला में बलदेव बन करके आए, महाप्रभु लीला में श्री नित्यानंद प्रभु बन करके आए। और आ करके उन्होंने क्या किया, सेवा के लिए, इसने अपना स्वतंत्रता के लिए नहीं है, इसलिए उनकी सेवा के लिए। जैसे अगर कृष्ण कुछ बोलेगा, मेरे को पता है कृष्ण कैसे सुख, उनका सुख कैसे है, हैं कोई नहीं बोलेगा भैया मेरे लिए ये कर ये कर ये कर, नहीं करे, शर्म की बात है। लेकिन इनको बड़े भाई है ना, मेरे को पता है कृष्ण को हम कैसे सुख दे सकते हैं, उनको पता है, इसलिए उनके मन को जान करके वो नहीं चाहने पर भी हम क्या करेंगे, हम श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। केवल सेवा के लिए उन्होंने बड़े भाई बन करके आए, हैं ये बड़े भाई बन करके आए। नित्यानंद प्रभु को जब राड़गाम में थे, एक सन्यासी आया और उनको पिताजी से बोले आपका बच्चे को हमें प्रदान करो, हम तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं, मेरे साथ में कोई संगी नहीं, अभी ऋषि साधु मांग रहे हैं, नहीं चाहने पर भी उनको अपना बेटे को देना पड़ा। लेकिन देते समय हराई पंडित इतने दुखी हो रहे थे, लेकिन वो ब्राह्मण ने किया कि उनके पास में एक गोपाल था, छोटा सा गोपाल, उसका नाम मुरलीधर है, तो उन्होंने ये गोपाल को देख गए, बोले देखो तुम इसको देखना, हाँ क्योंकि नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु, उनको तो पिता की जैसे उनको लेकर जब गए, जैसे उनको छाती फट रहा है, हाँ ऐसे पुत्र को कोई आ करके ले जाए तीर्थ यात्रा में। उन्होंने श्री विश्वामित्र जी को स्मरण करते हुए, दशरथ महाराज को स्मरण करते हुए, कैसे दशरथ महाराज नहीं चाहने पर भी राम लक्ष्मण को कैसे श्री विश्वामित्र लेकर गए, इसी भाव से उन्होंने प्रदान किया।
और उन्होंने जो गोपाल दिया जिसका नाम मुरलीधर, बोले इनको जब दर्शन करोगे इनके अंदर में श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु तुमको दिखेंगे, क्योंकि कृष्ण से अभिनय अभी भी वो ठाकुर जी एक जगह गाँव में ही हाँ, जिसको श्री हराई पंडित देख देख करके नित्यानंद प्रभु का स्वरूप का दर्शन करके अपना को वो तसल्ली प्रदान करते थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु को उन्होंने लेकर के सारे तीर्थ हमें उन्होंने गए हैं, सारे तीर्थ में गए। बोले क्यों इनको लेकर गए? बोले सख्यात बलदेव प्रभु जहाँ इनके चरण पड़े वो स्थान पवित्र हो जाएगा स्थान को, इसलिए सारा दुनिया को उन्होंने पवित्र करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु जब आए, इतने में जब नित्यानंद प्रभु श्री नवद्वीप धाम में आते हैं, महाप्रभु दिव्य उन्हें स्वप्न दिखाए, कोई एक महापुरुष आया है आकर के हर घर घर जाकर ढूंढ रहा है क्या यही निमाई पंडित का घर है, यही निमाई पंडित का घर है। नित्यानंद प्रभु वृंदावन में भी आए भ्रमण करते करते, जब उन्होंने मंदिर मंदिर में गए ना, देखा सारा मंदिर खाली पड़ा हुआ, मंदिर में ठाकुर नहीं, किसी मंदिर में कृष्ण को मिले नहीं। बोले भैया सब मंदिर में ठाकुर कहाँ चले गए? इतने में आकाशवाणी हुई, बोले ब्रज का जो कन्हाई अभी नवद्वीप का निमाई बनकर गए हैं, इसलिए अभी वही कृष्ण ही अभी यहाँ पर है नहीं, वही कृष्ण अभी नवद्वीप में निमाई बने हैं। अगर कृष्ण दर्शन करना चाहते तुम चले जाओ, कहाँ चले जाओ? तुम चले जाओ श्री नवद्वीप में जाओ, वहीं पर श्री कृष्ण दर्शन तुमको वहीं पर होएंगे। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु आकर के हैं, नित्यानंद प्रभु आकर के उन्होंने एक भक्तों घर में छुप गए नित्यानंद प्रभु। बोले अगर सचमुच से महाप्रभु मेरे प्रभु होएंगे वो मेरे को ढूंढ निकालेंगे हैं, और नंदन आचार्य घर में उन्होंने छुप गए। जब छुप गए सवेरे होते ही महाप्रभु अपना भक्तों को बोले, बोले मैंने स्वप्न देखा एक दिव्य महापुरुष आया है ताल ध्वजो रथ में बैठी करके हैं, इसलिए वो यहाँ पर आया, तुम लोग जाओ उसको ढूंढ करके लाओ। इतने में महाप्रभु सारे भक्त लोग गए जाकर नवद्वीप में हर घर घर में जाकर के नित्यानंद प्रभु को ढूंढे, लेकिन कहीं भी वो मिले ही नहीं। बोले प्रभु आपने बताया कोई महापुरुष आए, हम तो घर घर में ढूंढे लेकिन हमें तो कहीं मिले ही नहीं। महाप्रभु चलो, बोले मेरे साथ में चलो। तो महाप्रभु सीधा उन्होंने श्री नंदन आचार्य घर में सीधा उन्होंने पहुँचे और देखा नित्यानंद प्रभु एकदम ध्यान में बैठे हुए आँख बंद करते हुए। तो महाप्रभु ने एक भक्त को बोले, बोले तुम एक भागवत का श्लोक पढ़ो। तो उन्होंने श्लोक पढ़े, बोले बराहा पिडम नटवर पपुहो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपिशयम वैजयंती चमालम रंध्राण वेणुरधर सुधया पुरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तद गीत कीर्ति। जब उन्हें कृष्ण की महिमा सूचक श्लोक पढ़े ना, नित्यानंद प्रभु का शरीर में ऐसे प्रेम प्रकट हुआ, स्वेद अश्रु कंप बुलक पुलक वैवर्णम नाचना शुरू किया नित्यानंद प्रभु। ऐसे महा नित्यानंद प्रभु नाच रहे थे, शरीर कांप रहा था, ऐसे उनको कोई धारण करने वाले नहीं। फिर महाप्रभु स्वयं उनको अपना गोद में महाप्रभु उनको धारण करते हैं, हैं? कहते यहाँ पर बताए देखना महाप्रभु को कृष्ण को कौन धारण करते? बलदेव प्रभु हर समय बलदेव प्रभु को आनंद सज्जा में नारायण है स्वयं है ना, लेकिन आज उल्टा है, आज भगवान स्वयं अनंत देव को गोद में धारण किए हैं, अनंत देव को। फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को प्रकाश करते हैं। यहाँ प्रभुपाद शिक्षा देते हैं कभी जो नित्यानंद तत्व जो गुरु तत्व है ना, ये बड़ी गहरा तत्व है, ये तत्व को समझना ढूंढना बड़ा कठिन है। मतलब जीव कभी अपना चेष्टा से सदगुरु को कभी ढूंढ नहीं सकता, इसलिए उपनिषद कहता है न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न जमे बै से वृणुते तेन लभ्य तसई से आत्मा विवृणुत तनुष्याम। तभी वो परतत्व को भगवान को तभी आप ढूंढ सकते हो गुरु तत्व को, जब भगवान की कृपा हो, सही जाने तारे ज्यों जानाई, उनको वही जान सकते हैं गुरु जी को हैं, केवल भगवान ही उनको ढूंढ सकते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कहते गुरु कृष्ण प्रसाद में हैं, बोले यहाँ पर तो गुरु गुरु से तो हमारी नाम लिए, बोले कृष्ण का नाम क्यों बताया?
कृष्ण की कृपा से ही जीव को सदगुरु की प्राप्ति होती है, कृष्ण कृपा से। जब तक उनकी कृपा नहीं होगा जीव सदगुरु को ढूंढ करके प्राप्त नहीं कर सकता है, हैं। इसलिए उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को प्रकाश किया, फिर तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों मिलकर के सर्वत्र हरि कीर्तन हरि नाम उन्होंने सर्वत्र उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, बोले निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। फिर शाम को होगा तो वहाँ पर थोड़ी सी और नित्यानंद प्रभु कथा और सबको सुना देंगे। ठीक है, इसको बंद कर दो, इसको कल सुना।